मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। मुंबई का मराठा मंदिर थिएटर में आज भी शाहरुख खान और काजोल की ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस सिनेमा घर में चल रही है और आज भी लोग इस फिल्म को देखने वहां जाते हैं। मंगलवार को श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म हसीना पारकर का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इसकी वजह से पिछले लगभग 22 साल से इस थिएटर में चलती आ रही फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का शो रद्द करना पड़ा। जी हाँ, इस बारे में जब श्रद्धा कपूर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आज 22 ईयर्स हो गए थे DDLJ को यहाँ पे स्क्रीनिंग के एंड फैंस आर नाउ बिट डिस्टर्ब बिकॉज द ट्रेलर लॉन्च, सो व्हाट यू वांट टू सॉरी से दैट अगेन प्लीज। 22 ईयर्स से यहाँ DDLJ की स्क्रीनिंग हो रही थी एंड आज डिस्टर्ब हो गए एंड फैंस आर बिट अपसेट। रियली दे मिस्ड द स्क्रीनिंग, या सो व्हाट यू वांट टू से ऑन इट? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस एक्चुअली। इज एनीबडी अपसेट? If anybody is upset, I would want to say sorry because we would not want to make anyone upset about anything. But I'm not aware ki, I don't know if anybody has been, if there is anybody who's upset or anything. Would you know? दरअसल शाहरुख काजोल की इस फिल्म का एक ही शो हर दिन दिखाया जाता है। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित ये फिल्म 1995 में रिलीज हुई थी और तभी से इस फिल्म का मैटनी शो यहां चलाया जाता है और जिसमें खासी भीड़ होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।